नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे इस वीडियो में अकाउंटेंसी से रिलेटेड एमसीक्यू। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले यूपीपीसीएल लेखालिपिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके पास केवल 10 दिन का समय और बचा है तैयारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या करिएगा इस वीडियो में, हमारे सही आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा, जिससे आपका एक बार में रिविजन हो जाएगा, आपका एक बार में प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने पर पुराने साझेदारों में बांटी जाती है। द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाई द न्यू पार्टनर इन कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। नए लाभ हानि अनुपात में, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, पुराने लाभ हानि अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशियो, त्याग अनुपात में, इन सेक्रीफाइस रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात में, टू प्रॉफिट रेशियो। तो फ्रेंड्स, सभी लोग यहां पर आंसर बताएंगे अगर पता है तो। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने पर, अगर वो कैश में लाता है राशि, तो पुराने साझेदारों में बांटी जाती है। तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, त्याग अनुपात में, इन सेक्रीफाइस रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3। नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति खाता खोले जाने पर डेबिट किया जाता है। ठीक है, क्या खोलना है फ्रेंड्स? ख्याति खाता खोलना है, और कहाँ डेबिट किया जाएगा? गुडविल अकाउंट ओपन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज डेबिटेड बाई। नए साझेदार का पूंजी खाता, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रोकड़ खाता, कैश अकाउंट, व्यापार खाता, बिजनेस अकाउंट, ख्याति खाता, गुडविल अकाउंट। तो यहां पर खोला जा रहा है ख्याति खाता। ठीक है, डेबिट किया जाएगा ख्याति खाता। आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ख्याति खाता, गुडविल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3। संपत्तियों के मूल्य में कमी तथा दायित्व के मूल्य में वृद्धि साझेदारी में दिखाई जाती है। अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इज शो इन द पार्टनरशिप। पुनर्मूल्यांकन खाते के ऋणी पक्ष में, ऑन द डेबिटर साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाते के धनी पक्ष में, ऑन द क्रेडिटर साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, चालू खातों में, इन करेंट अकाउंट, पूंजी खातों में, इन कैपिटल अकाउंट। संपत्तियों के मूल्य में कमी तथा दायित्व के मूल्य में वृद्धि साझेदारी में दिखाई जाती है। तो आपका आंसर यहां बन जाएगा ऑप्शन ए, पुनर्मूल्यांकन खाते के ऋणी पक्ष में, ऑन द डेबिटर साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4। नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि पुस्तकों में अवितरित लाभ या सामान्य संचय दिया है तो उसे अंतरित किया जाएगा। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और जनरल एक्यूमुलेशन हैज बीन गिवन इन द बुक्स इट शैल बी ट्रांसफर टू। नए साझेदार सहित समस्त साझेदारों के पूंजी खाते में, इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, केवल पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ओनली, पुनर्मूल्यांकन खाते में, रिवैल्यूएशन अकाउंट, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। फटाफट सभी बच्चे कमेंट करेंगे जितने भी लोग वीडियो में बने हुए हैं। नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि पुस्तकों में अवितरित लाभ या सामान्य संचय दिया है तो उसे अंतरित किया जाएगा। यहां पर आपका आंसर बन जाएगा 4 का ऑप्शन बी, केवल पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का अनुपात होता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन द पार्टनर इज। असमान अनुपात, अनइक्वल रेशियो, पूंजी अनुपात, टू कैपिटल रेशियो, बराबर बराबर, इक्वल इक्वल, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का अनुपात होता है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बराबर बराबर, इक्वल इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6। अवकाश ग्रहण करने पर अवितरित लाभों की राशि को साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। द अमाउंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ रिटायरमेंट
इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, नए लाभ विभाजन अनुपात में, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पूंजी अनुपात कैपिटल रेशियो, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा रह चुका है। अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भी इसको ध्यान से देखिएगा। अवकाश ग्रहण करने पर अवितरित लाभों की राशि को साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है, तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ पूंजी खातों में क्रेडिट होगा, द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स शैल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, सभी साझेदारों के उनके पुराने अनुपात में, ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के, ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, शेष साझेदारों के उनके पुराने अनुपात में, ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, शेष साझेदारों के उनके नए अनुपात में, ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ पूंजी खातों में क्रेडिट होगा, कहां क्रेडिट होगा फ्रेंड्स, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए, सभी साझेदारों के उनके पुराने अनुपात में, ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जितना आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा उतना बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बार विजिट करें चैनल पर तो एक बार सारे वीडियोस देख लीजिए, सारे टॉपिक्स देख लीजिए, आपके लिए यूजफुल लगे चैनल तभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 8, रमेश सुरेश और हरीश लाभों का विभाजन 5-3-2 के अनुपात में करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। यदि हरीश सेवानिवृत्त है तो रमेश और सुरेश का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, रमेश सुरेश एंड हरीश वर्क इन द रेशियो 5-3-2, इफ हरीश इज रिटायर्ड देन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश विल बी। देखिए फ्रेंड्स यहां पर तीन रेशियो दिया हुआ है, 5:3:2, देखिए 5 किसका है, रमेश का, 3 है सुरेश का, हरीश का है 2, तो यहां पर हरीश क्या करता है, सेवानिवृत्त होता है हरीश, यानी हरीश का 2 सेवानिवृत्त होता है, तो यहां पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5:3, रमेश का हो जाएगा 5 और सुरेश का हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन डी बन जाएगा आपका 5:3। क्वेश्चन नंबर 9, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर सेवानिवृत्ति या मृत साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन। शेष साझेदारों के भाग की ख्याति के साथ विथ द गुडविल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑप्शन बी, फर्म की ख्याति के साथ विथ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, ऑप्शन सी, उनके हिस्से की ख्याति के साथ विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल, ऑप्शन डी, None of the above। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, चाहे आपको पता है चाहे नहीं पता है आप कमेंट करके हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ने कमेंट सही किया होगा, वीडियो के बाद में चेक करेंगे, उनके हिस्से की ख्याति के साथ विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते का शेष होना चाहिए, द बैलेंस इन द ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट शुड बी, प्रीमियम की वार्षिक किस्त की राशि के बराबर, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑफ प्रीमियम, चुकाए गए प्रीमियम की राशि तक, अप टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, पॉलिसी के देय होने पर प्राप्य राशि के बराबर, इक्वल टू द अमाउंट रिसीवेबल When the policy becomes due, समर्पण मूल्य के बराबर,
इक्वल टू सरेंडर वैल्यू। संयुक्त बीमा जीवन बीमा पॉलिसी खाते का शेष होना चाहिए, तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, समर्पण मूल्य के बराबर, इक्वल टू सरेंडर वैल्यू। सो फ्रेंड्स, आ चुका है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना होगा, टुडे क्विज क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आपको हम कमेंट में बताएंगे, जितने भी बच्चे इसका कमेंट करेंगे वहीं चेक करेंगे हमेशा की तरह। आगे पढ़ देते हैं क्वेश्चन। फर्म के समापन पर वसूली की हानि या लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाता है। द लॉस और प्रॉफिट रियलाइज ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज डिविडेड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। पूंजी के अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में, समान अनुपात में, गार्नर बनाम मर्रे नियम के अनुसार। ठीक है, ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और ये दिया है आपका क्वेश्चन। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ऐसे बताइएगा आप लोग इसे 11 का कौन सा सही होगा, आपको ऐसे बताना होगा ताकि पता चल सके आप किसका आंसर बताना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों का केवल 10 दिन बचा है तैयारी करने का, 10 दिन बाद आपका यूपीपीसीएल का एग्जाम है, आपका लेखा लिपिक का। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, कंप्यूटर की तैयारी भी आप लोग करते रहिएगा। बहुत ही जल्द आप लोग के लिए बैक टू बैक कंप्यूटर की वीडियोस भी लाने वाले हैं। पहले सोच रहे हैं आपको अकाउंट्स की वीडियोस प्रोवाइड कर दें, उसके बाद बैक टू बैक कंप्यूटर की आने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको एक बार वीडियोस प्रोवाइड हो सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन टेलीग्राम। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।